राम के थे, राम के हैं, हम राम के ही रहेंगे। जी हाँ, सुरों के जादू से पिरोया गया यह गाना आज के दिन सटीक साबित हुआ। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आज भारतवर्ष का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया। दरअसल सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना को लेकर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम जोर शोर से देखने को मिला। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इसे एक पर्व के रूप में मनाया। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी इससे पीछे नहीं रही। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी लोग सार्वजनिक रूप से हवन यज्ञ कर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते दिखाई दिए। दरअसल रोहिणी सेक्टर 20 की रॉयल मार्केट में मार्केट एसोसिएशन द्वारा महायज्ञ कराया गया। एक और जहां अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, तो ऐसे में दिल्ली के रोहिणी इलाके में आयोजित इस महायज्ञ में भी भारतीय संस्कृति की परंपरा साफ तौर पर देखने को मिली। यहां सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति विशेष तौर पर देखने को मिली। इस दौरान सभी ने हवन कुंड में आहुति दी। इस दौरान विशेष तौर पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी लोग राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। पूरे जिस प्रकार से पूरे अयोध्या राम में हो गई है और इसी प्रकार से पूरी दिल्ली भी राम में हो गई है और पूरी दिल्ली के हर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है और जगह जगह पर जो आप देख रहे हैं कि हवन किए जा रहे हैं और जगह जगह मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो आज जो प्रोग्राम है, आज पूरी दिल्ली राम में हो गई है, पूरा भारत राम में हो गया। आज सनातन की जीत हुई है। आज हर हिंदू अपने आप में गौरवशाली महसूस कर रहा है क्योंकि 500 वर्षों का इतिहास बदलने वाला है और ऐसा इतिहास बदलने वाला है कि आने वाली सदियों में दोबारा ऐसा इतिहास नहीं होगा। हमारे सनातन में आज हर हिंदू के अंदर जो भावना है वो भावना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला जी अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस सपने को साकार करने वाले हैं और इतने लोगों ने जो आहुति दी है 500 वर्षों में, उन आहुतियों की पूर्ति होने वाली है, उन आत्माओं की तृप्ति होने वाली है। यही मैसेज देना है कि श्री राम जी को सब मानते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, आप भी ऐसे ही उनकी पूजा करते रहें और आज इतना अच्छा दिन है कि सब श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों के भाव बहुत ही उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। जैसे अयोध्या में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम जी की, उसी प्रकार हम भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं राम दरबार की, राधा कृष्ण जी की, दुर्गा माता की और कान्हा जी की। महिलाओं में कितना उत्साह देख रहे हैं, ये तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे लोगों में बहुत ही उत्साह है और सब बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। राम भक्तों को प्रणाम करती हूँ और जयकारा लगाती हूँ राम जी का, जय श्री राम। और जैसे कि आज ये हमारे पूरे देश में महोत्सव मनाया जा रहा है श्री राम जी के नाम का और बड़े ही लेवल पे मनाया जा रहा है और बहुत ही जोश के साथ मनाया जा रहा है, वैसे ही हमारे ये छोटे से सेक्टर भी इसमें जो कि बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत उत्साह है हमारे सेक्टर भी इसमें और हम पूरे जोर शोर से मन से तन से अपना ये राम जी का प्रोग्राम मना रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम हमारे जीवन में ग्रहण करने की चीज है। हम हर चीज में श्री राम है, हे राम, श्री राम, तो राम राम को ग्रहण करें। भगवान राम ने राज्य त्याग दिया, अपने भाई को सौंप दिया सब कुछ, वहाँ दिखाया कि भाई के लिए सब, भाई से नीचे सब कुछ भाई से अलग होता है, भाई से बढ़ के कुछ नहीं है। राम जी ने भाईचारा दिखाया। भगवान राम ने अपने पिता के एक बार कहने से 14 वर्ष का वनवास ग्रहण कर लिया, तो भगवान ने दिखाया कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवान राम ने माता पिता के लिए सब त्याग दिया। श्री हनुमान जी और राम जी की दोस्ती देखिए, तो उन्होंने दोस्ती में सब कुछ दांव पे लगा दिया और जो नहीं हो सकता वो भी किया। तो श्री राम तो ग्रहण करने की चीज है। हर कॉलोनी में ऐसा उत्सव हो रहा है, हर मार्केट में ये उत्सव हो रहा है। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा भारत राममय है। मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज का जो ये आयोजन है, आज जो यशोगाथा अयोध्या में गाई जा रही है, ये पूरे विश्व इसको सुनने वाला है और आज भारत विश्वगुरु बन गया ऐसा आज पूरा विश्व शाम तक सबको बता देगा।
भारत माता की जय, जय श्री राम। कार्यक्रम की अनुभूति तो सर अब बोलने मैं बयां ही नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए किस प्रकार से जगह जगह से लोग अपने घरों से निकल के हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है, दिवाली से भी महा दिवाली मनाई जा रही है आज के दिन। अच्छा, इस कार्यक्रम में एक और खासियत देखने को मिल रही है, हर वर्ग के हर समाज के लोग आ रहे हैं, क्या कहें? कहना क्या है, देखिए यही तो एक सबसे बड़ी बात है, ये सब लोग आपस में संगम हो रहा है, ये हर एक चीज़ का, हर एक व्यक्ति इस समय अपने हर एक चीज़ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ राम में हो रहा है, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए।